फिलिस्तीन के गाजा में एक साल से ज्यादा समय से कत्लेआम जारी है। यूएन और दुनिया के तमाम देशों के सीज फायर की अपील के बाद भी इसराइल गाजा पर लगातार हमला कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका, जो इसराइल का सबसे खास दोस्त माना जाता है, वो नाराज हो गया है। कह सकते हैं कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति रोकने की धमकी भी दे दी है। बीते सोमवार आधी रात को इसराइल के ताजा हमले में दक्षिण गजा में 15 लोगों की जान चली गई। यूएन ने गजा में मानवीय मदद में देरी के लिए इजरायली सेना पर आरोप लगाए हैं। इजरायली सेना के गजा में लगातार आक्रामक रुख को लेकर अमेरिकी सरकार इजरायल पर बुरी तरह भड़क गई है। बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को चेतावनी दी है कि गजा में मानवीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लागू करने के लिए उसके पास 30 दिन का समय है, नहीं तो उसे हथियारों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। बता दें, इससे पहले इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि एक साल से चल रही जंग में इजरायल मिसाइल और रॉकेट की भारी कमी से जूझ रहा। इस बीच अमेरिका की धमकी ने इजरायल को टेंशन मिला दिया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल में सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बाइडेन प्रशासन से एक खत मिला है, जिसमें गजा पर अमेरिकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। पत्र में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि पिछले कई महीनों में गजा में पहुंचने वाली सहायता की मात्रा में काफी गिरावट देखी गई है। इसके लिए अमेरिका सीधे तौर पर इजरायली सेना को जिम्मेदार मानता है। टॉप अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि गजा में मदद के रास्तों को प्रतिबंधित होने से इजरायल की प्रतिबद्धता पर सवाल उठता है, और ये भी कि वो अमेरिकी हथियारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं कर रहा है। इससे पहले इसराइल ने इसी साल के मध्य में वादा किया था कि वो गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास में बाधा नहीं बनेगा और इसे बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। खत में ब्लिंकन और ऑस्टिन ने आरोप लगाया है कि हाल के महीनों में गजा में मानवीय सहायता में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। उन्होंने आगे कहा है कि सितंबर में गजा में पहुंची सहायता की मात्रा पिछले साल के किसी भी महीने की तुलना में सबसे कम थी। उन्होंने खत में आगे लिखा है, गजा में मानवीय क्षति को सुधारने और अपने वादे के अनुरूप इसराइल को अभी से 30 दिनों के अंदर स्थिति बेहतर करनी होगी, वरना अमेरिका से मिल रही हथियारों की आपूर्ति रोकी जा सकती है। अमेरिका ने खत के जरिए इसराइल के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है। खत में हर दिन गजा में 350 ट्रक एड जाने की परमिशन देने, अपनी कार्रवाइयों के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान करने की बात कही गई है। अमेरिका की ये मांग अमेरिका चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आई है। मांगों को पूरा करने के लिए इसराइल को एक महीने का टाइम दिया गया है। 13 नवंबर तक अगर इसराइल गजा में मानवीय मदद का प्रवाह नहीं बढ़ाता है तो अमेरिका इसराइल की सैन्य मदद रोक सकता है। चुनाव से पहले पूरे अमेरिका में जारी प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट ने बाइडेन प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। गजा में सीज फायर और बंधक डील न हो पाने के बाद से अरब और मुस्लिम वोटरों का रुख डेमोक्रेटिक पार्टी से खफा रहा है। अमेरिका की इस समय आई मांग से साफ हो रहा है कि बाइडेन प्रशासन के लिए मानवीय स्थिति को सुधारना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल नीड भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।